तो गाइस स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और कल यहाँ पर हमने देखा कि WWE ने अपने फिर से यहाँ पर काफ़ी सारे सुपरस्टार्स को रिलीज़ कर दिया, लेकिन इस बार WWE ने जिन सुपरस्टार को रिलीज़ करा वो काफ़ी सारे बड़े सुपरस्टार थे, बड़े नेम्स थे उनके अंदर, जैसे कि ब्रॉन स्टोमन, एलिस्टर ब्लैक। तो पूरा जो प्रो रेसलिंग वर्ल्ड है इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि एकदम से WWE ने इतने सारे सुपरस्टार को रिलीज़ करा। पहले भी WWE ने रिलीज़ करा था, लेकिन उतने वो बड़े नेम नहीं थे जो कि इस बार WWE ने इस बार इतने बड़े सुपरस्टार को रिलीज़ करा। तो इस वजह से जो काफ़ी सारे लोग हैं वो एकदम शॉक में चले हैं, काफ़ी सारे सरप्राइज हो चुके हैं। तो पूरा जो प्रो रेसलिंग वर्ल्ड है इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, तो मैं आपको सबके रिएक्शन बताने वाला हूँ। WWE के सुपरस्टार ही नहीं बल्कि AEW के, इम्पैक्ट रेसलिंग के, NJPW के, जैसे कि मैं कह रहा हूँ पूरा वर्ल्ड इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, तो मैं आपको सबके रिएक्शन यहाँ पर बताने वाला हूँ, CM Punk का भी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको उन सुपरस्टार के रिएक्शन बताता हूँ जो कि यहाँ पर रिलीज हुए हैं। तो सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमन का यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो, जो कि उन्होंने यहाँ पर इस फोटो को डाला है और इसके कैप्शन में यहाँ पर उन्होंने लिखा है व्हाट अ चैप्टर इन लाइफ #thankyou। और इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो जितने यहाँ पर सुपरस्टार हमें दिखाई दे रहे हैं, ब्रे वाइट को यहाँ पर छोड़ के वो सारे सुपरस्टार यहाँ पर रिलीज़ हो चुके हैं WWE से। तो ब्रॉन स्ट्रोमन का भी जो नेम है वो इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके साथ ही मैं आपको लाना का रिएक्शन बताऊँ, तो लाना ने भी यहाँ पर इस फोटो को डाला था, वो बता रही थी उनका WWE का जो करियर है किस तरीके से यहाँ पर WWE के अंदर गया, और सारे जो फैंस को यहाँ पर वो थैंक यू बोल रही हैं। बडी मर्फी का यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन बताऊँ, तो बडी मर्फी का भी यहाँ पर ये कुछ रिएक्शन था जहाँ पर उन्होंने ये वाला ट्वीट किया और बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो 8 साल से वो WWE के अंदर थे उनका जो करियर है या फिर उनका इस जो जर्नी रही थी वो उनकी यहाँ पर एंड हो चुकी है। और वो बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पर उनको कितना भी टाइम मिला रिंग के अंदर, चाहे वो 20 मिनट हो या फिर 3 मिनट हो, उन्होंने अपना यहाँ पर बेस्ट देने की कोशिश करी है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक और ट्वीट किया था और साथ ही उन्होंने यहाँ पर इस वाली वीडियो को डाला था जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उनका मैच हुआ था स्मैकडाउन लाइव के अंदर रोमन रेंस के साथ में। तो बडी मर्फी यहाँ पर पहले भी बोल चुके हैं कि उनका जो रोमन रेंस के साथ मैच गया था वो उनका अब तक का सबसे बेस्ट मैच था। तो इसी की यहाँ पर वीडियो भी उन्होंने यहाँ पर डाली है, साथ ही एक लाइन उन्होंने यहाँ पर लिखी है जिसको देख के यहाँ पर लग रहा है कि शायद बडी मर्फी आगे अब काफ़ी कुछ करने वाले हैं, जहाँ पर उन्होंने लिखा है बट ट्रस्ट मी द होल वर्ल्ड विल नो व्हाट आई मीन बाय बेस्ट कैप सीक्रेट थैंक यू ऑल। तो उन्होंने बताया कि अब पूरा यहाँ पर वर्ल्ड जानेगा कि उनको यहाँ पर क्यों बोला जाता है बेस्ट कैप सीक्रेट। तो बडी मर्फी का देखते हैं किस कंपनी के अंदर वो हमें देखने मिलते हैं और बाकी इसके बाद में और क्या डिटेल्स यहाँ पर निकल के आती हैं। इसके साथ ही मैं आपको एलिस्टर ब्लैक का रिएक्शन बताऊँ, तो एलिस्टर ब्लैक ने यहाँ पर एक ट्वीट किया था जहाँ पर वो बता रहे थे कि उनके लिए भी यहाँ पर ये शौक था, सरप्राइज था, क्योंकि उनको भी यहाँ पर नहीं पता था कि WWE यहाँ पर उनको रिलीज़ करने वाली है। तो उनके लिए जिस तरीके से यहाँ पर हम शौक हो रहे हैं, एलिस्टर ब्लैक को भी यहाँ पर झटका ही लगा था। इसके अलावा मैं आपको काफ़ी सारे और सुपरस्टार्स के रिएक्शन बताऊँ, तो मुस्तफ़ा अली ने इन फोटोज़ को यहाँ पर डाला था जहाँ पर जो जो सुपरस्टार रिलीज़ हुए उनके साथ हैं, उन्होंने यहाँ पर इन फोटो को डाला था, बडी मर्फी हैं, रूबी राइट हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख तो कुछ और सुपरस्टार्स के भी रिएक्शन जो कि मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अंद्रादे ने यहाँ पर रिएक्ट करा, जहाँ पर अंद्रादे ने यहाँ पर बडी मर्फी और एलिस्टर ब्लैक के साथ की फोटो डाली और उन्होंने लिखा है वेलकम टू दी ट्रैंकिलो लाइफ अमीगोस। तो अंद्रादे भी यहाँ पर WWE का पहले शिकार हो चुके हैं, हालांकि WWE ने उनको रिलीज़ नहीं करा था, उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट करा था कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए। तो अंद्रादे भी यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। साथ ही अलग सब इसका मैं आपको रिएक्शन बताऊँ जो कि यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर निकल गया है, तो उन्होंने यहाँ पर ये दिल टूटने वाली यहाँ पर इमोजी डाली और लिखा है टेरेबल। तो बिल्कुल आपको पता है एक टाइम पे यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन एलेक्सा ब्लिस का किस तरीके का एंगल हमें देखने को मिला था, तो एलेक्सा ब्लिस को भी ये जो चीज़ है वो यहाँ पर पसंद आई नहीं है कि ब्रॉन स्ट्रोमन भी यहाँ पर रिलीज़ हो चुके हैं। साथ ही मैं आपको WWE के बाहर के कुछ सुपरस्टार के रिएक्शन बताऊं, तो सबसे पहले AEW से एडी किंगस्टन ने यहाँ पर एक ट्वीट किया और लिखा है #mentalhealthmatters। तो यहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि विंस मैकमैन को यहाँ पर मैसेज करा है जहाँ पर वो मेंटल हेल्थ मैटर बता रहे हैं कि इस तरीके से शायद कुछ ना कुछ तो दिक्कत है विंस मैकमैन के साथ। ब्रैंडी रोड्स का यहाँ पर रिएक्शन निकल के आया जहाँ पर उन्होंने भी ये वाली इमोजी डाली है जहाँ पर वो भी इस चीज़ से काफ़ी ना सरप्राइज हैं। कैश विलन ने भी यहाँ पर एक ट्वीट किया और उन्होंने यहाँ पर लिखा यू आर ऑल गोइंग टू डू ग्रेट कीप योर हेड्स अप। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा जो वर्ल्ड है इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। साथ ही मैं आपको इम्पैक्ट रेसलिंग के मूव्स का यहाँ पर रिएक्शन बताऊँ, तो उन्होंने यहाँ पर पहले तो ये स्टार यहाँ पर मतलब इमोजी उसकी डाली और वर्सेस लिखा है एलिस्टर ब्लैक। तो यहाँ पर वो अपने आप को स्टार बता रहे हैं और उन्होंने अपना मैच बताया एलिस्टर ब्लैक के साथ। तो अब सुपरस्टार्स यहाँ पर रिलीज़ हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपने अपने यहाँ पर ड्रीम मैचेस बता रहे हैं। और एक और यहाँ पर ड्रीम मैच निकल के आया जहाँ पर NJPW से विल ऑस्प्रे ने इस फोटो को डाला जहाँ पर एलिस्टर ब्लैक के साथ वाली ये फोटो है। तो वही मैं कह रहा हूँ पूरा वर्ल्ड इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, पूरी कंपनीज की तरफ से, अलग अलग कंपनीज की तरफ से हमें रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। CM Punk का मैं आपको रिएक्शन बताऊँ, तो उन्होंने यहाँ पर ये GIF को डाला था जहाँ पर
वो तो इस चीज़ के ऊपर मतलब तालियां बजा रहे हैं। और आपको पता है सीएम पंक काफ़ी ना मज़े लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ भी मतलब उल्टी सीधी कुछ भी चीज़ होती है तो सबसे पहले सीएम पंक उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो सीएम पंक ने इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर रिएक्ट करा और भी आप कुछ रिएक्शन है वो यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही मिक फोली का यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। तो मिक फोली ने यहाँ पर स्ट्रोमन को लेकर ट्वीट किया था जहाँ पर उन्होंने लिखा था, स्ट्रोमन रिलीज इज पर्टिकुलरली सरप्राइजिंग बट आई एम गैसिंग ब्रॉन कैन राइट हिज ओन टिकट फॉर एनी वेयर ही हैड लाइक टू वर्क ए फायर्ड अप स्ट्रोमन वुड सीम लाइक अ कांट मिस साइनिंग फॉर AEW। तो उन्होंने तो यहाँ पर बता दिया कि बिल्कुल जो स्ट्रोमन है वो बिल्कुल एक कांट मिस साइनिंग होने वाली है AEW के लिए और बिल्कुल जितने भी यहाँ पर सुपरस्टार रिलीज हुए हैं AEW की नज़रें होंगी इन सुपरस्टार के ऊपर और शायद फ्यूचर के अंदर कुछ ही टाइम बाद ये सुपरस्टार हमें कहीं ना कहीं इन कंपनीज के अंदर भी देखने को मिल जाएं। तो बस ये कुछ रिएक्शन थे पूरे वर्ल्ड को लेके जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और रिएक्शन थे, पूरे कवर करूँगा तो पता नहीं वीडियो यहाँ पर कितनी लंबी हो जाएगी, लेकिन जितने भी यहाँ पर कुछ रिएक्शन मुझे मिले मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आ गया। कमेंट करके बताना कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, सुपरस्टार्स के बारे में आपका क्या कहना है, पूरा जो वर्ल्ड इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहा है और सुपरस्टार तो अब रिलीज़ हो ही चुके हैं, लेकिन बताना कि आप अब इनको यहाँ पर किस कंपनी के अंदर देखना चाहोगे, आपका कोई ड्रीम मैच है इन सुपरस्टार का तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कोई यहाँ पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो। और भी आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट्स मिलती रहेंगी जो कि यहाँ पर मुझे मिलेंगी मैं आपको बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही उस बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।